तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वी लुकअप लिस्टिंग। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में एक वैल्यू कई बार रिपीटेड है, जैसे पूजा देखेंगे तो कई बार रिपीटेड। तो मुझे पूजा की पूरी चाहिए, मतलब कि पूजा 10 बार है तो 10 बार चाहिए। जनरली वी लुकअप तो एक बार देता है ना, मैं चाहता हूं कि इसको 10 बार 10 बार, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते टॉपिक कुछ सेकेंड। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको सिक्वेंस में वीडियो चाहिए तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर ले। और मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जैसे गरिमा जी मेरे साथ 1-to-1 लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की लाइव क्लास ज्वाइन करनी है जूम के थ्रू तो मेरी वेबसाइट ipetindia.com पे लॉग इन। इसकी पूरी डिटेल्स आपको ऐप की वेबसाइट की पूरी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ वी लुकअप लिस्टिंग। जैसे मान लीजिए मुझे पूजा का पूरा डेटा चाहिए। अब आप मान लीजिए कि लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहा है, ठीक है रीमा जी? हाँ जी। अब जब आप लेटेस्ट एक्सेल 2019 है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे फिल्टर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? फिल्टर। तो फिल्टर में आप डेटा को सिलेक्ट करें, फिर जिस कॉलम में आपका कंडीशन है, नेम है ना हमारा पूजा नेम है, तो हम अपने कंडीशन में उस कॉलम में आएंगे और यहां करेंगे इक्वल टू पूजा और एंटर। आ गया देता पूरा। अब पूजा के जगह मैं अगर मान लीजिए देव कर देता हूं तो देव का पूरा डेटा आ जाएगा। बट इसमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ और सा करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो दूसरा तरीका, दूसरी बात है कि इसके लिए आपके पास लेटेस्ट एक्सेल होना चाहिए और अभी मार्केट में 50% से ज्यादा लोगों के पास अभी 2007 ही चल रहा है। तो 2007 ही चल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट एक्सेल ना यूज करके हम नॉर्मल एक्सेल यूज कर रहे हैं, 2007 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 13 यूज कर रहे हैं, 16 यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम वी लुकअप लिस्टिंग मेथड को यूज करेंगे। अब वी लुकअप लिस्टिंग का जो मेथड है ना, ये मेरा बनाया हुआ मेथड है, ठीक है? ये जो मेथड है मेरा बनाया हुआ है। तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, उससे पहले मुझे एक यूनिक डेटा तैयार करना होगा। तो हम कंट्रोल प्लस करते हैं तो हमारे सामने एक नया कॉलम खुल के आ गया और यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, ठीक है? काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि एक सिलेक्टेड लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर सेल का काउंट निकलता है तो कितना बार रिपीट है। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं यहां 1 लिखूं, पहला पूजा है तो 1, दूसरा पूजा है तो 2, तीसरा पूजा है तो 3 करें। इस तरह से हर नेम का उसके रिपीटेशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ का फॉर्म, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगा। जैसे v3 से v3 एंड कॉमा v3, हमने क्या किया, B3 से B3 कॉमा B3, लेकिन हम इसको एंटर मार के नीचे ड्रैग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, तो एंटर प्रेस करते हैं और ड्रैग करने से पहले पहली जो B3 है उसको फ्रीज कर देंगे। तो पहले B3 को क्या कर देंगे, फ्रीज कर, ठीक है? तो B2 है, माफ कीजिएगा, अभी V2 को फ्रीज कर देंगे, फिर इसको नीचे तक हम ड्रैग। इससे क्या होगा कि जितना नाम रिपीटेड है ना उतना सीक्वेंस है। जैसे कि यहां पे देखिए 1 पूजा आया, यहां पे 2 पूजा, यहां पे 3 पूजा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो काउंट इफ फॉर्मूला काउंट कर रहा है, जो फॉर्मूला लग रहा है वो उसी से ऊपर की वैल्यू को काउंट कर रहा है, उसके नीचे की वैल्यू को देख ही रहा है, समझ ही रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका यहां पे टोटल दिख जाएगा, ठीक है? अब इसमें हम एक काम और करेंगे,
अरे यूनिक तो है नहीं, मुझे तो यूनिक बनाना है ना। तो इसके साथ हम डैश का यूज करेंगे कॉनकेट के साथ और नाम को भी लगा दें। तो यहां नाम को सिलेक्ट करके एंटर मार। ये देखिए वन पूजा, टू पूजा, थ्री पूजा, इस तरह से आ गए सारे, और ये सारे के सारे यूनिक हो गए। अब इसमें डुप्लीकेसी नहीं है, ये पूरा का पूरा यूनिक। ठीक है मैडम, कोई डाउट तो नहीं इसमें आपको? चले अब यहां भी हमने सीरियल नंबर लगाया, वन टू थ्री इस तरह से हम लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि डेट कितना बार है पता नहीं है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया, यहां पे सॉरी यहां पे काउंट इफ, और काउंट इफ की फॉर्मूला से मुझे पता चल गया कि इस कॉलम में डेट कितना बार है, और जितना बार है उतना बार का सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे इफ फॉर्मूला से, जिसका मेथड मैंने आपको इफ के फॉर्मूले में बताया था। जी सिक्स इज ग्रेटर देन 10, तो यहां पे ब्लैंक हो, अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस किया जाएगा। ठीक है मैम। हेलो जी, हम जी ठीक है। अब मैं आई थ्री को फ्रीज कर देता हूं। फ्रीज करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर आने के चांसेस लेना है। मामला लगा सकते हैं ना। ठीक है, नहीं कोई छोटा सा प्रॉब्लम होगा, इसी से प्लस वन करना होगा ना। प्लस यहाँ पे जी सिक्स नहीं, जी सिक्स प्लस वन, अब एरर आया। इसके लिए हमने क्या किया, इफ एरर के अंदर आ गया। क्या मैम बताया था आपको ये चीज, फिर नीचे की तरफ हम जाए एक संभावित एरिया दे दीजिए कि हाँ 20, 50, 60, 100 मेरे पास होंगे। अब यहां पे हम सेम री लुकअप का यूज करेंगे। री लुकअप, इसको सेलेक्ट किया कॉनकेट, डैश किया, अगेन हमने सेलेक्ट किया देव को, देन हमने टेबल फॉर्म टेबल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम कॉलम में 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हर सेल पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैं हर सेल पे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, हम यहाँ पे मैच का इस्तेमाल करेंगे। मैच, मैच में हमने सिलेक्ट कर लिया किसको, नेम को, एरिया दे दिया इसको कॉमा जी। अब मुझे आगे ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना होगा। क्या फ्रीज करेंगे, जी सिक्स का हम जी को फ्रीज करेंगे, एस थ्री का हमारा थ्री फ्रीज होगा, ए पूरा फ्रीज होगा, और एच फाइव का फाइव, और ए वन से एफ वन, एंड ब्रेस कीजिए और फ्रीज को सिलेक्ट। इसमें एरर आने की भी चांसेस है ना, नीचे एरर आएगा यहां, तो यहां इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। एक संभावित एरिए में इसको नीचे तक ड्रैग कर। कुछ गड़बड़ हुआ, जी सिक्स का जी सिक्स एस थ्री पूरा फ्रीज हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी पूरा। ठीक है, अब आ गया। अब यहाँ पे देखिए देव है, देव आया। अगर मैं पूजा लिखता हूँ तो पूजा में ज्यादा है, 14 है तो 14 आया। मोहन लिखता हूँ, मोहन मुझसे भी ज्यादा है, 12 × 14 यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि क्या फायदा हुआ, मतलब कि हमको लेटेस्ट एक्शन है तो हम फिल्टर से भी काम चला सकते हैं ना जी। बट इसमें कुछ कैलकुलेशन है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि नीचे जैसे खत्म होते हैं टोटल लिख जाए, टोटल क्वांटिटी कितना होगा,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में आगे एक और फॉर्मूला है, जो इस तरह फॉर्मूला है सीरियल नंबर का, उसी में एक और फॉर्मूला जोड़ेंगे, इफ ऊपर वाली वैल्यू अगर बराबर है 10 से, यहाँ पे टोटल, ठीक है, जैसे सीक्वेंस नंबर यहाँ जैसे यहाँ पे बराबर होगा जहां टोटल आ जाएगा, जहां 10 से बराबर हुआ वहां वो टोटल शो कर लिखा हो, नीचे ट्रैक कीजिए, आ गया टोटल। अब मैं क्वांटिटी में क्या कर रहा हूं, क्वांटिटी में यहां एक और फॉर्मूला लगा रहा हूं कि इफ अगर सीरियल नंबर में सीरियल नंबर ना हो के यहां टोटल है तो सम का फॉर्मूला मैंने लगाया और ए सिलेक्ट कर लिया के से के और इसको क्लोज करके कॉमा दे दिया। तो यार देखिए ध्यान से, जो फॉर्मूला चल रहा था उसको चलने दिया, हमने उसके आगे फॉर्मूला लगाया कि इफ जी सेवन, मतलब कि जो सीरियल नंबर है अगर वो इक्वल टू टोटल है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है उससे ऊपर वाली वैल्यू को क्या करें, सम के अंदर डाले। लेकिन इसमें भी आपको पहला केस सिक्स को फ्रीज करना होगा ताकि जब नीचे ड्रैग करेंगे तो पहला केस सिक्स फिक्स हो, नीचे केस सेवन के एट के नाइन बढ़ता जाए, अब नीचे के तरफ इसको ड्रैग करें, आ जाए टोटल सर। जी टोटल तो आ गया लेकिन मुझे समझ में आपने सीरियल नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन डाला तो ये टोटल आया। हाँ यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला क्या डाला, यहाँ पे हमने इसमें डाला, ऊपर में डाल दिया ताकि ऊपर नीचे चेंज होता रहा थी, अपने आप को ऊपर नीचे करता रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे मोहन आ गया, देखिए यहाँ मोहन आ गया तो मोहन ज्यादा है, देखिए नंबर आया तो नीचे टोटल आ गया ना। हाँ जी इसलिए ऐसा किया, हमने ऊपर में लगाया यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने बोला कि जो जहां फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर अगर जो वैल्यू है मतलब ऊपर सीक्वेंस नंबर है वो मैच करता है जो नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब कि 10 क्या है, 10 है आपका ऊपर जो के आई आई थ्री जो पे आपका जो 10 है, 10 क्या है कि ये डेव जो है डेटा में कितना बार रिपीट हुआ हुआ, ठीक है। तो अगर सीरियल नंबर और रिपीटेटर नंबर रिपीट नंबर दोनों अगर बराबर है इसका मतलब है कि इसके नीचे आपको वैल्यू शो नहीं होगी, तो यहाँ पे तुम टोटल शो करो, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी अब तक जो फॉर्मूला चल रहा था उसको चलने दीजिए। अब यहां पे हमने क्या किया, इस पे हमने बोला कि अगर सीरियल नंबर में टोटल है इसका मतलब है मुझे सम दिखाना है। हमने बोला सीरियल नंबर में अगर टोटल है तो हमें सम दिखाना है, तो हमने बोला सीरियल नंबर में टोटल है तो क्या करें, जहां फॉर्मूला लग रहा है उससे ऊपर की सारी वैल्यू को सम करें। तो यहां जो मैं लगाया सिर्फ हमने के सिक्स दिया था ना, अब पहले वाले के सिक्स को हमने क्या किया, फ्रीज नहीं किया, तो फ्रीज कर दिया, दूसरे को फ्रीज नहीं किया, नीचे तक ड्रैग किए तो के सिक्स से के सेवन हो गया, इसके नीचे K6 से K8 हो गया और यहां पे हो गया K6 से K15। अदरवाइज जो फॉर्मूला चल रहा था उसको चल रहे अगर टोटल यहां नहीं है तो। अब समझ रहा है आपको, आगे बस एक कंफ्यूजन है, जो आपने फॉर्मूला टोटल और ये सम वाला लगाया है वो सेकंड रो में, हां सेकंड जो शुरू किया ना एकदम से, एक तो आएगा ही आएगा ना यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे अगर मोहन का कर यहाँ पे मोनी कर देता हूँ और यहाँ मोनी का बेटा लेते हैं तो यहाँ आ गया एक ही बार में, यहाँ आएगा अगर कोई नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए पी यू नहीं है, यू दे दिया नहीं है तो कुछ नहीं आएगा ना फिर। हाँ जी हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी चलो, तो डाउट इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब मुझे क्या करना है कि इसको फॉर्मेट करना, मैं चाहता हूं जितना डेटा मेरा दिखे ना उतने एरिया में बॉर्डर लग जाए, तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब इस यूज फॉर्मूला में हम यहां पे देंगे इक्वल अगर ए जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि नीचे जो दिख रहा है ना ब्लैंक ही है ना सर, और इसमें डॉलर साइन हटा देंगे क्योंकि ए चारों तरफ हम इसको फॉर्मेट प्रिंट करने वाले हैं तो डॉलर साइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और फिर बॉर्डर दे दिया मैन, ओके मैन, और फिर
फॉर्मेट प्रिंटर से हमने अपना पूरा एरिया पेंट कर। तो यहां देखिए आ गया, यहां तक टोटल आ गया, और जैसे मैं यहां पे दूंगा मान लीजिए पूजा किया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी करना है कि जो टोटल होगा वो बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन वर्डिंग के न्यू रूल्स पे आया, यूज फॉर्मूला, और हमने यहां पे एक और कंडीशन लगाया कि अगर ए इक्वल टू टोटल है। अब मुझे इसको ड्रैग करना है तो जी सिक्स नहीं जी को रख देता हूँ, सिक्स को अनचेक कर देता हूँ, अनडोनर सी सेवन एट नाइन टेन होना चाहिए, बट जी फिक्स होना चाहिए क्योंकि जी तो हमारा सीरो में कॉलम में टोटल इसी में आएगा ना। और फॉन्ट पे जाके हमने इसको कर दिया बोल्ड एंड ओके एंड ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम नीचे तक एक संभावित एरिया तक प्रिंट कर देंगे, हो गया तो डाउट इसमें नहीं, पर प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा। हमने पहले बताया था कि आज की थोड़ी सी क्लास कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जी जी चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब जो अगली कॉलम अगला एग्जांपल और आज का लास्ट एग्जांपल है, जिससे कि आपने पूजा को लुकअप करते हैं तो क्या होता है, एक पूजा एपिकोड आया यहाँ पे ना, और इस एग्जांपल में हमारी सारी वैल्यू तो आ रही है बट इस तरह से आ रही है ना। मैं चाहता हूँ मुझे सारी वैल्यू एक ही सेल में कॉमा के साथ सेपरेट हो जाए। हेलो, हाँ मैं भी बताइए, एक एक सेकंड से लीजिए। तो इसके लिए क्या करें, मतलब कि हमें यहाँ पे 84 है कॉमा, एक और पूजा यहाँ पे आता है 43, जो 43 देना है कॉमा करके, ठीक है, ऐसे सारा कॉमा कॉमा करके देना है। तो देखिए इसके लिए आपका पुराने एक्सेल के वर्जन में कोई ऐसी चीज नहीं दिया होगा, पुराने एक्सेल में इसको करना है तो आपको वीजीए प्रोग्रामिंग की मदद से आपको नया कोड बनाना पड़ेगा। बट अभी के एक्सेल में अगर लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं 2019 तो ऑफिस 365 या गूगल सीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन आपको दो के बीच में क्या सेपरेटर चाहिए, फॉर्मूला कॉमा चाहिए। अच्छा ब्लैंक आया पे क्या रखना है, इग्नोर करना है कि इग्नोर करना है। अब बोलता है मुझे टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट मुझे ऐसे नहीं देना है, मुझे यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाना है। इफ अगर नेम हमने सेलेक्ट किया, बोला अगर ए इक्वल टू आपका पूजा है तो ए जो आपका है वैल्यू दे दो, अदरवाइज ब्लैंक, फिर एंटर प्रेस, ओके। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, पचास है, हाँ समझ में आया आपको मैम कि नहीं। तो हमने बोला कि भाई टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला में जो टेक्स्ट था उसमें हमने कंडीशन लगा दिया कि ए टू के अंदर में जहां जहां पूजा है बी टू का वैल्यू बी कॉलम में आपको ओ ही देना है। अब इनको समझने के लिए फॉर्मूला एवलेट में एवलेट कीजिए। देखिए तो यहां क्या हुआ, पहले इफ चला, जहां जहां पूजा था वहां पे ट्रू कर दिया,
और जहां नहीं था वहां फॉल्स किया। और इसने क्या किया, जहां जहां ट्रू था वहां वहां वैल्यू डाल दिया, जहां जहां ट्रू नहीं था फॉल्स था वहां पे ब्लैंक डाल दिया। क्योंकि हमने इसमें क्या दे रखे ना कि ट्रू पोजिशन के लिए नंबर मतलब बी कॉलम का नंबर एंड फॉल्स के लिए ब्लैंक। अब क्या होता है कि टेक्स्ट ज्वाइन में हमने ट्रू डाला हुआ है ना, ट्रू क्या डाला हुआ है कि अगर ब्लैंक मिले तो उसको इग्नोर करे। तो जब इसने कंबाइन किया इसने टेक्स्ट ज्वाइन ने, तो इसने जहां भी उसको ब्लैंक मिला उसको इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के बाद ये आपका नंबर यहां दे दिया। ठीक है, क्लियर है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो है इसके फाइल मैं आपको भेज देता हूं प्रतिभा जी, अब इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए तभी समझ जाएगा। और यहाँ पे लुकअप का लुकअप का जो कैटेगरी है वो खत्म होता है। अगली कैटेगरी हमारा मैथमेटिकल और बाकी जो भी कैटेगरी है वो हम आपको कल से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आगे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, देन आगे की चीजें पढ़ाओ।